शेड्यूल जो है नेपाल क्रिकेट टीम का वो आ चुकी है। नेपाल क्रिकेट टीम की प्रैक्टिसेस कौन से डेट से होने वाली है ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। और नेपाल क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से पहले कितने मैचेस कौन कौन टीम के साथ प्रैक्टिसेस करेगी वो सब फुल शेड्यूल आ गया है। जितने लोगों आप लोगों को कह रहा हो कि ये वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोग भाई वीडियो बीच बीच में छोड़ के चले जाते हो, ठीक है, और कमेंट भी नहीं करते हो। तो ये नेपाल क्रिकेट टीम के लिए ना वर्ल्ड कप का जो ये रोड मैप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे किन किन टीमों के साथ मैच है, वर्ल्ड कप का वार्म अप मैचेस किन किन टीमों के साथ होगा वो मैं आपको एंड में बताता हूँ कि कौन सी बड़ी टीम के साथ 25 तारीख के बाद जो है नेपाल का बड़ा मैच होने वाला है वर्ल्ड कप से पहले, वार्म अप मैच जो प्रैक्टिस मैच है वो उससे पहले कौन कौन सी टीमों के साथ होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नेपाल क्रिकेट टीम जैसे आप सबको पता है कि फ्लोरिडा में अभी ट्रेनिंग कैंप जो है वो चल रहे हैं नेपाल क्रिकेट टीम का, और ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। कल नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पे फोटो जारी करके बताया था, और मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है ना वो सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रही है। वो आपको मैं बताऊं तो अलग लेवल की ट्रेनिंग जो है वो चल रही है यूएसए के अंदर। आपको नेपाल का वर्जन 2.0 देखने को मिलेगा वर्ल्ड कप के अंदर, उसको लेकर जो है ट्रेनिंग चल रही है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है नेपाल की टीम कि वो बड़ी टीमों को हरा सकती है। अब यहाँ पे मेन बात आती है 12 तारीख से। देखो 12 तारीख को जो है वो नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो सेंट विंसेंट जाएगी, और जहां पे जो है उनका मैचेस है। पहला मैच नेपाल का 14 तारीख से स्टार्ट होगा। 12 तारीख को फ्लोरिडा से सेंट विंसेंट जाएगी, वहां पे जाके जो है पहली टीम सेंट विंसेंट के साथ जो है नेपाल के मैचेस होंगे 14 तारीख को। 13 तारीख को जो है ट्रेनिंग करेंगे, 12 तारीख को डिपार्ट होगा, 13 तारीख को ट्रेनिंग है। 14 तारीख को जो है 14 मई की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सेंट विंसेंट जो एक वेस्ट इंडीज की टीम है उसके साथ में प्रैक्टिसेस है, वेस्ट इंडीज की लोकल टीम है सेंट विंसेंट में, ठीक है, तो वहां पे होगा। फिर 15 तारीख को जो है वहां पे आप कह सकते हो रेस्ट है या फिर ऑप्शनल ट्रेनिंग, आप यहाँ पे ट्रेनिंग करो या रेस्ट करो ये आपके ऊपर है। 16 तारीख को जो है मैच दूसरा मैच है। ये सारे मैचेस जो है ना वो T20I फॉर्मेट में खेले जाएंगे, जितने भी मैचेस यहाँ पे वेस्ट इंडीज के साथ खेली जाएगी नेपाल के वो सब T20I फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे तीसरा मैच जो है 17 तारीख को नहीं होकर 18 तारीख को यहाँ पे खेला जाएगा सेम टीम के साथ सेंट विंसेंट में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट विंसेंट और एक यहाँ पे विंडवर्ड आइलैंड बोल के एक टीम है वो वेस्ट इंडीज की टीम ही है, ये दोनों मिक्सअप टीम रहेगी, ये नहीं है कि सिर्फ सेंट विंसेंट की टीम है, ये एक शहर का नाम है वहां की टीम जो है लोकल टीम वो हो गई। प्लस यहाँ पे 19 तारीख जो है उसको यहाँ पे हाउस टाउन फिर नेपाल क्रिकेट टीम ट्रैवल करके आएगी अमेरिका के अंदर, और वहां पे जो है 20 तारीख को हाउस टाउन में आने के बाद 21 तारीख से जो है यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह जो है यहाँ पे कह सकते हो विकेट प्रैक्टिस जो है, या फिर आप कह सकते हो कि वर्ल्ड कप से पहले जो विकेट मिलने वाले होंगे नेपाल क्रिकेट टीम को उन सब चीजों पर प्रैक्टिस किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 22 तारीख को मैचेस होंगे, जो टीम है हाउस्टन हुरिकेन्स उसके साथ में जो मैचेस है, यूएसए की टीम है हाउस्टन हुरिकेन्स उसके साथ मैचेस है 22 तारीख को। और उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि 25 तारीख से जो है यहाँ पे वार्म अप मैचेस स्टार्ट हो जाएगा। अब वार्म अप मैचेस की मैं आपको अगर बात बताऊं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वार्म अप मैचेस छोटी टीम के अगेंस्ट खेला जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। वार्म अप मैचेस जो है नेपाल क्रिकेट टीम यहाँ पे या तो आपको साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड जो भी बड़ी टीम है, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी टीम के साथ यहाँ पे जो है वार्म अप मैचेस खेला जा सकता है। तो ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये आईसीसी डिसाइड करेगी। अब मान लो नेपाल क्रिकेट टीम का वार्म अप मैचेस इंडिया के अगेंस्ट ही दे दिया गया, मतलब कोई नहीं जानता भाई, वार्म अप मैचेस है तो कोई भी टीम किसी के साथ भी खेल सकती है, या फिर पाकिस्तान के साथ ही दे दिया गया या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ही दे दिया गया, समझ रहे हो। तो ये एक कह सकते हो वार्म अप मैचेस में एडवांटेज होता है कि आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल सकते हो, ये चीज है। बाकी यहाँ पे टोटल टीमें जो है उनमें से कोई भी टीम किसी के अगेंस्ट वार्म अप मैचेस खेलेगी 25 तारीख से लेके यहाँ पे आप कह सकते हो 1 तारीख के बीच में जो है वार्म अप मैचेस हर एक टीम खेलेगी वर्ल्ड कप में जितनी टीम है वो। टोटल यहाँ पे नेपाल की टीम जो है 3 T20I मैचेस जो है 14 तारीख से लेके 19 तारीख तक खेलेगी, उसके बाद 20 के बाद 21 और 22 को जो है यहाँ पे यूएसए में लोकल टीम जो है हॉस्टन हुरिकेन्स उसके साथ खेलेगी, 25 तारीख के बाद जो है वार्म अप मैचेस खेलेगी कोई भी बड़ी टीम के साथ। तो आप कह सकते हो कि ये एक बढ़िया गुड न्यूज है नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि नेपाल क्रिकेट फैंस जो है वो अभी तक सोच रहे थे कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है किसके साथ खेलेगी, नहीं खेलेगी, क्या होगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके सामने है। बाकी इसको लेकर आप क्या क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना।